हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं एक्चुअली कि देखिए, अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में, स्पेशली अगर आप लोग स्टडी के लिए आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन रहता है कि हम लोगों को स्टडी के लिए रीजनल एरियाज में जाना चाहिए या फिर जो मेट्रो सिटीज है उनको चूज करना चाहिए। देखिए, डिसीजन तो कम्प्लीटली आप ही का है कि आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं, पर हाँ, अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पर मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो हो सकता है वो पॉइंट्स जो है आप लोगों को हेल्प करें चूज करने में और आपका जो डिसीजन है उसे लेने में कि आप लोग रीजनल में जाएं या फिर आप मेट्रो सिटीज को चूज करें। तो गाइस, सबसे पहली चीज तो ये कि देखिए, अगर आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया आने का पर्पस केवल स्टडी है, यानी कि आप केवल स्टडी के मोटिव से आ रहे हैं कि नहीं भाई, आपको एक फॉरेन कंट्री में फॉरेन लेवल की एजुकेशन चाहिए और फिर आप यहाँ पर कुछ साल काम करना चाहते हैं ताकि आप इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकें और फिर जाकर के अपनी होम कंट्री में ही आपको सेटल होना है, तो फिर आप लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपनी जो स्टडी है वो रीजनल एरिया से करें या फिर किसी मेट्रो सिटी से करें। लेकिन ऑन दी अदर साइड, अगर आपका जो मेन पर्पस है ऑस्ट्रेलिया में आने का, वो इन फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने का है, यहाँ पर PR लेने का है, यहाँ की रेजिडेंसी या सिटीजनशिप लेने का है, तो डेफिनेटली आप लोग एक थॉट दे सकते हैं कि आप लोगों को स्टडी के लिए रीजनल एरियाज को चूज करना चाहिए या फिर आप लोगों को मेट्रो सिटीज में जाना चाहिए। सो गाइस, सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि 16 नवंबर 2019 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि मेलबर्न, सिडनी एंड ब्रिस्बेन, इन 3 सिटीज को छोड़ करके जो भी सारे एरियाज हैं, लोकेशंस हैं, दैट इज ऑल कंसिडर्ड एज अ रीजनल एरियाज। ओके, अब रीजनल का मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक यू नो बिल्कुल गांव टाइप हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ऑस्ट्रेलिया के और भी बहुत सारे सिटीज की वीडियोस भी देखी होंगी, जैसे कि हम लोग अभी होबार्ट में रहते हैं, तस्मानिया में रहते हैं, तो आप लोगों ने मेरी कुछ वीडियोज में थोड़ी बहुत सिटी भी देखी होगी। तो मोस्टली तो देखिए, वीडियो मैं घर से ही शूट करती हूँ, पर हाँ, अगर आप चैनल पे जाएंगे तो आप लोगों को काफी सारी वीडियोज भी जो है सिटी की देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोगों को पता चलेगा कि रीजनल का मतलब इट्स नॉट यू नो कि कोई छोटा सा गांव टाइप है जहां पे कुछ भी नहीं होगा। रीजनल का जो मतलब है वो एक्चुअली यही है कि देखिए, अगर आप पॉपुलेशन को कंपेयर करेंगे इन मेट्रो सिटीज की पॉपुलेशन और कंपैरेटिवली अगर आप पर्थ की, डार्विन की, एडिलेड की, या अगर मैं कहूँ तस्मानिया की, इनकी अगर आप पॉपुलेशन कंपेयर करेंगे तो कंपेरिजन में जो है पॉपुलेशन इन एरियाज में बहुत ही ज्यादा कम है। तो गवर्नमेंट एक्चुअली यही चाहती है कि सारा जो यू नो क्राउड है, जो पब्लिक है, वो उन्हीं मेट्रो सिटीज में ना जाए, बल्कि जो ऑस्ट्रेलिया के अदर एरियाज हैं वहां पर भी जो है डेवलपमेंट हो और वहां पर भी लोग रहें। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए हैं रीजनल एरियाज में रहने के, रीजनल एरियाज में स्टडी करने के। अब देखिए गाइज, ऐसा नहीं है कि हर चीज का केवल यू नो प्लस पॉइंट ही होता है, हर चीज के प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो रीजनल एरियाज के भी कुछ प्रॉन्स है तो कुछ कॉन्स भी हैं, तो मैं आप लोगों के साथ दोनों शेयर करूंगी एंड देन यू कैन डिसाइड कि आप लोगों को जो है कहां पर रहना है। तो गाइस, सबसे जो पहली चीज है वो तो ये आती है कि आप किस टाइप के पर्सन है, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो कि सिटी लाइफ जिन्हें मतलब बहुत ज्यादा ही अट्रैक्ट करती है और वो एकदम क्वाइट प्लेसेस पर या जहां पे बहुत कम लोग रहते हैं, शांतिपूर्वक जो जगह होती है वहां पे नहीं रह सकते। तो अगर आप इस टाइप के पर्सन है तो डेफिनेटली आप लोगों को मेट्रो सिटीज को चूज करना चाहिए, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में जैसा कि मैंने बताया कि जो रीजनल एरियाज हैं या फिर जो अदर सिटीज हैं एक्सेप्ट सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है और ये एरियाज कंपैरेटिवली बहुत पीसफुल रहते हैं, इतना क्राउड आपको देखने को नहीं मिलता है, पब्लिक भी इतनी ज्यादा रोड्स पे नहीं होती है, कहीं पर भी मतलब आपको भीड़ जो है इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। नाउ गाइस, देखिए अगर आप लोग रीजनल एरियाज में स्टडी करते हैं और यहाँ पे रहते हैं तो आप लोगों को मिलते हैं एक्स्ट्रा 5 पॉइंट, इमिग्रेशन के एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिलते हैं, और जब आप लोग अपनी PR अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये 5 पॉइंट्स जो है आप लोगों को बहुत हेल्प करते हैं। अब ये कि आप बोलेंगे सिर्फ 5 ही तो पॉइंट है, बट बिलीव मी, जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं ना कि आपके 70 पॉइंट हुए हैं, 80 पॉइंट्स हुए हैं, 85 पॉइंट्स हुए, बिकॉज आज डे बाय डे आजकल ना कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है PR पॉइंट्स के लिए भी, तो बहुत सारे लोग जिन्होंने स्टडी यहाँ से नहीं की है, स्टडी मान लीजिए किसी मेट्रो सिटीज से की है, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स के लिए रीजनल एरियाज में आकर के रहते हैं और यहाँ पर जो भी उनका वर्क करना है या अगर उन्हें दोबारा कोर्स करना है, जो भी उनका एक्चुअली जिस तरह से भी उन्हें अपने पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो वो लोग यहाँ आकर के उन पॉइंट्स को गेन करने के लिए रहते हैं रीजनल एरियाज में। एंड देयर इज अनदर पॉइंट कि अगर आप लोग रीजनल एरियाज में यू नो एज अ स्टूडेंट भी अपना वीजा अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट जो है प्रेफरेंस देती है रीजनल एरियाज के वीजाज को।
तो पीआर के लिए भी वो बहुत इजी रहता है। और आप जो भी वीजा अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट की प्रेफरेंस हमेशा रीजनल एरियाज में रहती है, तो रीजनल एरियाज के जो वीजाज हैं वो बहुत जल्दी आते हैं। एंड द अदर थिंग इज कि रीजनल एरियाज में जो पीआर का मिलना है वो भी कंपैरेटिवली इजी होता है, बिकॉज कंपटीशन मेट्रो सिटीज के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। इसीलिए जो लोग हैं वो रीजनल एरियाज में आते हैं, ताकि वो लोग थोड़े से, अगर उनके पास 5 या 10 पॉइंट्स कम भी हैं तो भी उन्हें ये होप रहती है कि उनकी जो पीआर है वो जल्दी हो जाएगी। एंड एक्चुअल में पीआर हो भी जाती है जल्दी कंपैरेटिवली मेट्रो सिटीज। अगर आप वहां के और यहाँ का रेशियो कंपेयर करेंगे तो यस, रीजनल एरियाज में जो है आप लोगों की पीआर जल्दी से हो जाती है। एक और बेनिफिट है रीजनल एरिया में स्टडी करने का, और वो है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप निकाली हुई है, दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप। और ये आप लोगों को तभी मिलती है जब आप लोग अपनी स्टडी के लिए रीजनल एरियाज को चूज करते हैं। और इस स्कॉलरशिप के अंदर आप लोगों को पर ईयर जो है $15,000 मिलते हैं। और बात यह है कि थोड़ी जो इसके नंबर्स हैं दैट इज लिमिटेड, तो 551 स्टूडेंट्स को पर ईयर ये स्कॉलरशिप मिलती है। और अभी ये स्कॉलरशिप 2024 के लिए जो डेट्स हैं वो अभी ओपन है, लास्ट डेट इज 10th of August। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं की है और आप प्लान कर रहे हैं रीजनल एरियाज में, तो गो फॉर द वेबसाइट, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और आप लोग इस वेबसाइट के थ्रू ये स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर आप लोग रीजनल एरिया में स्टडी करने के लिए आ रहे हैं। तो नेक्स्ट बेनिफिट जो है रीजनल एरिया में स्टडी करने का और रहने का, वो ये है कि जब आप लोग अपनी स्टडी पूरी कर लेते हैं तो स्टडी के बाद आप लोगों को मिलता है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। अब ये जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है इसका एक एडिशनल ईयर आप लोगों को मिलता है अगर आप रीजनल एरियाज में स्टडी करते हैं। अगर आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से बैचलर डिग्री ली है तो आप लोगों का जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है वो आप लोगों को मिलेगा 4 ईयर का। अगर आपने मास्टर्स की है तो मिलेगा 5 ईयर का। और अगर आपने पीएचडी की है तो आप लोगों को मिलता है 6 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। एंड एडिशनल ईयर आपको मिलता है अगर आपने रीजनल एरियाज में स्टडी की है। तो ये जो एडिशनल ईयर है, देखिए इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। एक तो ये कि आप लोगों को अर्न करने के लिए, कंट्री में रहने के लिए एक पूरा साल मिल जाता है। और दूसरी चीज ये कि जब आप लोग अपना पीआर का प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो आप लोग फर्स्ट अपनी डिग्री लेते हो, उसके बाद आप लोग जो है कुछ साल का एक्सपीरियंस लेते हो, एंड देन फिर आप लोग जो है ना पीआर अप्लाई करते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस के भी आप लोगों को पॉइंट्स मिलते हैं। तो डिग्री को असेस करवाना और फिर पीआर अप्लाई करना, सारे स्टेप से गुजरना, तो इन चीजों में भी टाइम लगता है। तो ये कि अगर आप लोगों के पास कंट्री में स्टे करने का एक्स्ट्रा टाइम है तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं कि चलो, क्योंकि पीआर का जो प्रोसेसिंग टाइम है देखिए वो डिपेंड करता है वैसे तो कि आपने किस टाइप का वीजा जो है वो अप्लाई किया है, पर ये कि हाँ एडिशनल ईयर है तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होती है कि चलो ठीक है भाई पीआर आ जाएगी विद इन दैट टाइम फ्रेम। एक और बेनिफिट होता है रीजनल एरियाज में रहने का एक्चुअली, और वो है कि आपका जो ट्रेवलिंग टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। बिकॉज देखिए जैसे कि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ तो मैंने बहुत ज्यादा क्राउड देखा है, और जब वहां पर मैं जॉब करती थी तो मुझे पता है कि आने जाने में मेरा जो ऑफिस था वो था गुड़गांव में और मैं रहती थी नोएडा में, तो नोएडा से गुड़गांव आने में यूजुअली 1 घंटा लग जाता था, लेकिन अगर ट्रैफिक है तो भाई पी कार्स में तो 2 घंटे भी लग जाते थे, 2.5 घंटे भी लग जाते थे। तो वही यहाँ पर भी हालात होते हैं, जो मेट्रो सिटीज हैं एक्चुअली अगर आप लोग वहां रहते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन रीजनल एरियाज में अगर आप लोग रहते हैं तो आप लोगों का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बच जाता है। आप लोगों को देखिए यूनिवर्सिटी जाना है या आप लोगों को कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं उसके लिए जाना है, तो अगर मैं होबार्ट की बात करूं तो यहाँ पर आप एक किनारे से दूसरे किनारे में मैक्सिमम जो है 1/2 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे। अदरवाइज जो रूटीन ट्रेवल टाइम है वो 10 से 15 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं होता। और इतना ही टाइम लगता है ऑस्ट्रेलिया के सारे रीजनल एरियाज में अगर आप चेक भी करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपका जो टाइम है वो काफी सेव हो जाता है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, और वो है जॉब। तो गाइज ऐसा नहीं है देखिए कि रीजनल एरियाज में जॉब्स नहीं है, बट दैट इज ट्रू कि अगर आप मेन सिटीज से, मेट्रो सिटीज से कंपेयर करेंगे तो यस, रीजनल एरियाज में जो जॉब्स हैं वो कम है। देखिए रीजन क्या है कि जो रीजनल एरियाज हैं वहां पर इंडस्ट्रीज कम है, इसीलिए अपॉर्चुनिटीज भी कम है। बट अगेन इट्स डिपेंड कि आप लोग किस टाइप की जॉब कर रहे हैं। अगर देखिए आप लोगों को एज ए स्टूडेंट, आप कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में जॉब करनी है या किसी सुपरमार्केट में जॉब करनी है, पेट्रोल पंप पे जॉब करनी है,
तो इस टाइप की जॉब्स तो देखिए आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन यस अगर आप लोग किसी एज ए कंपनी में कुछ उस टाइप का जॉब ढूंढ रहे हैं तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो डेफिनेटली रीजनल एरियाज में कम होती हैं। नाउ गाइस अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो डेफिनेटली मेट्रो सिटीज में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और जो कनेक्टिविटी है दैट इज मच बेटर देन द रीजनल एरियाज। वहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और जो कनेक्टिविटी है वो भी कंपैरेटिवली काफी अच्छी मिलेगी। रीजनल एरियाज में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहती है बिकॉज देखिए अगर मैं होबार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर भी केवल बसेज ही हैं, यहाँ ट्रैम्स नहीं चलती हैं, लोकल ट्रेन्स नहीं चलती हैं, तो यहाँ पर भी जो मोस्टली लोग हैं वो या तो अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रेवल करते हैं या फिर बसेज लेते हैं, और जो बसेज की फ्रिक्वेंसी है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। कुछ कुछ एरियाज में तो एक्चुअली आधे घंटे में बस आती है या एक घंटे में बस आती है, और हाँ जो नीचे सिटी के आसपास वाले हैं वहाँ ज़रूर हर 10 to 15 minutes में है। तो यही है कि भाई अगर आप रीजनल एरियाज में रहते हैं तो जो कनेक्टिविटी है वो आप लोगों को थोड़ी अच्छी नहीं मिलेगी कंपैरेटिवली जो मेट्रो सिटीज हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो गाइज सच बताऊँ तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पहले था यस पहले रीजनल एरियाज में जो सबसे बड़ा जो हमारा एक्सपेंस होता है ना दैट इज़ योर अपार्टमेंट हाउस का जो रेंट होता है वो, तो यस पहले रीजनल एरियाज में क्या था कि जो घर थे वो काफ़ी सस्ते मिल जाते थे, बट आज की डेट में तो देखिए बिकॉज ये कह लीजिए कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो रीजनल एरियाज की तरफ ही आते हैं, तो यहाँ पर भी धीरे धीरे जो है ना हाउसेस क्राइसिस बढ़ गए हैं और यहाँ पर भी ना अब घर इतने सस्ते नहीं हैं। तो घर तो देखिए रीजनल एरियाज में भी लगभग उसी प्राइस में आप लोगों को मिलेंगे जितने कि आप मेट्रो सिटीज में जो है आप लोगों को मिलेगा। हाँ शेयरिंग में रहते हैं देखिए तो फिर तो एक वो अलग ही ऑप्शन आ जाता है, पर अगर आप ग्रॉसरी वगैरह के खर्चे की बात करेंगे दूसरे एक्सपेंस की बात करेंगे तो यस डेफिनेटली थोड़ा सा आप लोगों को रीजनल एरिया चीप लग सकता है, बट अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो जो आपका मंथली एक्सपेंस है ना दोनों जगह लगभग बराबर ही आएगा, उसमें पर्सनली मैंने इतना डिफरेंस जो है ना वो फील नहीं किया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एंड दैट इज योर लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट। तो यस लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट जो है वो कंपैरेटिवली मेट्रो सिटीज में काफ़ी अच्छा होता है, वहाँ आप लोगों को एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, रीजनल एरियाज में कम होते हैं क्योंकि यहाँ पे कम शॉपिंग मॉल्स हैं, कम यू नो ऐसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज इतनी नहीं होती है जितनी कि मेट्रो सिटीज में, हमेशा कोई ना कोई इवेंट कोई ना कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होता रहता है। तो यही है कि अगर आप लोगों को वो लाइफ बहुत अट्रैक्ट करती है, उस टाइप की चीज़ों में आप लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो फिर आप लोग जो है मेट्रो सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। रीजनल एरियाज में एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्डिंग वाली फीलिंग होती है एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना देखिए लोग कम हैं तो जब आप बाहर जाते हैं तो आपको सेम फेसेस ही जो है ना बार बार देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी फैमिलियर से आप लोगों को यू नो एनवायरमेंट लगता है। और अगर हम स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात करें जैसे कि अगर आप लोग इंडिया से हैं और इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो देखिए वो आजकल सब जगह है, अगर आप पाकिस्तान से हैं नेपाल से हैं कहीं से भी है ना आप लोगों को अपनी कम्युनिटी रीजनल एरियाज में भी मिल जाएगी और मेट्रो सिटीज में भी मिल जाएगी, तो वो भी मुझे पर्सनली ऐसा कोई डिफरेंस कम्युनिटी बेस्ड पे नहीं लगता है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मैंने आप लोगों के साथ सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं कि रीजनल में आप लोगों को क्या चीजें अच्छी मिल सकती हैं और क्या है जिन्हें आप लोगों को रीजनल में मिस करेंगे। तो नाउ इट्स योर डिसीजन कि आप लोग जब स्टडी के लिए आ रहे हैं आप लोगों का फ्यूचर का गोल क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप लोग चूज कीजिए कि आप लोगों को रीजनल में जाना है या मेट्रो सिटीज में जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।